हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना और जिसका उप विषय होने वाला है इतिहास। तो पूरी वीडियो देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को आज की वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना एकदम आसानी से सिखा दूंगा। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प हुई, आप लोगों को लाभ मिला इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी चाहें आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया सूक्ष्म पाठ्य योजना, इसके सामने आपको नंबरिंग करनी है। जैसे एक नंबर है तो एक लिख लीजिएगा, दो नंबर है तो दो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखना होता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी जिस विद्यालय में, उसका नाम लिखना है। कक्षा हमारी आज के सातवीं आठवीं दोनों क्लासेस के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको दोनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। कक्षा सात में भी पढ़ा सकते हैं, कक्षा आठ में भी पढ़ा सकते हैं। वर्ग है अ, यानी कि सेक्शन जो है कक्षा सात या आठ में किस सेक्शन में आप जाएंगे आप अपने अनुसार इसको लिखिएगा। विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है इतिहास। अवधि यहाँ पर देख सकते हैं, अवधि हमारा आज का है, आप सभी को पता है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना की जो मानक अवधि होती है वो 7 मिनट की होती है। आपके कॉलेज वाले हो सकता है 6 मिनट दें, 8 मिनट दें, लेकिन वैसे जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो 7 मिनट होता है। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना यहाँ पर पढ़ाई है। और हमारा जो आज का कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल ही एक ऐसा कौशल है जिसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो एग्जामिनर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसी को नोटिस करता है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है इस्लाम धर्म। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना कौशल के घटक देखते हैं। प्रस्तावना, जैसे आप सभी को पता होगा कि जितने भी यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजनाएँ होती हैं, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, श्यामपट कौशल हो, व्याख्या कौशल हो, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो, जो भी जितने भी कौशल हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए ये कराया जाता है कि आपका जैसे प्रस्तावना कौशल है तो उसको करने के बाद आपके अंदर क्या क्या छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, तो आपके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर किस चीज़ का विकास होगा, उसके बारे में यहाँ पे घटकों में लिखा जाता है। सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने में सबसे बच्चों को दिक्कत घटक में भी होता है, तो अभी मैं समझा देता हूँ। अगर प्रस्तावना कौशल के घटक की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। अगर आप कक्षा सात में पढ़ाने, मान लीजिए आप कक्षा सात में पढ़ाने गए हैं, तो कक्षा सात के बच्चे हैं तो उनको अभी तक कितनी नॉलेज होगी, कक्षा छः तक की नॉलेज होगी। कक्षा छः के बच्चे हैं तो अभी तक उनके अंदर कक्षा पाँच तक की नॉलेज होगी। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, प्रकरण निकलवाने के लिए प्रश्न पूछने होता है। तो वो ऐसे प्रश्नों का चयन करिए कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। जैसे कक्षा सात में बच्चा है तो ऐसे प्रश्न बनाइए जो कक्षा सात के नीचे के लेवल का हो, सरल एकदम क्वेश्चन पूछिए उनसे, जिससे आसानी से बच्चा बता दे। अगर कक्षा छः सात का बच्चा उसे कक्षा नौ दस के क्वेश्चन पूछें तो कहाँ से बता पाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ उद्देश्य से संबंध, यानी कि अगर आप कोई प्रश्न या यहाँ पे कथन बोल रहे हैं तो जिस चैप्टर को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में बताना जा रहे हैं, तो प्रश्न जो हो वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड ही उसके आसपास इर्द गिर्द होने चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ा इतिहास रहे हैं और मैथ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है प्रश्नों एवं विचारों में श्रृंखलाबद्धता, यानी कि जो प्रश्न यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में जो प्रश्न बनाते हैं उसमें श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनता है। इसी तरीके से कम 3 प्रश्न पूछना होता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे समुचित अवधि विस्तार। समुचित अवधि विस्तार के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना के लिए 7 मिनट दिया गया है तो 7 मिनट कंप्लीट आप पढ़ाइए, कोशिश करिए उसके आसपास का ही समय लीजिए। 6 मिनट लेंगे तो भी चलेगा, 7 मिनट की जगह 8-9 मिनट लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है 7 मिनट आपको दिया गया आप 15 मिनट ले ले रहे हैं, 10-12 मिनट ले ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या 7 मिनट दिया जा रहा है तो आप 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन पूछ के खत्म कर दे रहे हैं। तो समुचित अवधि विस्तार का मतलब होता है जिस तरीके से आपको समय दिया जा रहा है, 7 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो उस तरीके से प्लान करिए कि 7 मिनट आप यूज कर लीजिए। और अगला यहाँ पर पॉइंट है पाँचवा, मूल पाठ की ओर ध्यान आकर्षण, यानी कि जो आप पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी तरफ ही बच्चों को आकर्षित करते रहिए। इस तरीके के यहाँ पे प्रश्न पूछिए कि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो उस पाठ की तरफ ही, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे प्रस्तावना कौशल के घटक। अब इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान लिखना होता है आपको। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र विभिन्न धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये उनको नॉलेज है अभी तक की। अब इसी के ऊपर आपको प्रश्न पूछना होता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना में 4 कॉलम बनाने होते हैं प्रस्तावना कौशल में।
क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा, छात्र क्रियाएं और घटक। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे और उस उत्तर प्रश्न में आपने किस घटक का यूज़ किया उसको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया एक दो, तो आप कहेंगे एक दो क्या है, एक दो ये है जो यहाँ पे आपको दिखाया मैंने अभी। जैसे पहला है नंबर, यहाँ पे प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, तो एक लिखेंगे। अब इस कॉलम में देखिए, आप छोटे से कॉलम में घटक वाले में पूरा लिख तो नहीं सकते ना प्रश्नों और कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, तो ऐसा लिखने की जगह पे हम उसका नंबरिंग कर देते हैं, एक दो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों से हमने पूछा छात्रों हम किस देश में रहते हैं, तो ये तो बच्चों को पता है, उनके पूर्व ज्ञान, इतना पूर्व ज्ञान है उनको, तो यहाँ पे वो बच्चे बोलेंगे भारत में। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कौन कौन सा घटक यूज किया, पहला यूज किया और दूसरा यूज किया। अब यहाँ पे आगे अपने अनुसार यहाँ पे भरना है आप लोगों को, कौन सा घटक मैं बता भी दूंगा आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर होगा तो। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा भारत से, जैसे भारत आया आंसर तो उससे दूसरा प्रश्न बनेगा भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बच्चे बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी धर्म के यहाँ पे बता सकते हैं बच्चे। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा मुस्लिम से, मुस्लिम समुदाय किस धर्म को मानता है, तो बच्चे बोलेंगे इस्लाम धर्म को। और चौथा प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा इस्लाम धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कोशिश तो करेंगे आपको बताने का लेकिन ज़्यादातर डिटेल में नहीं बता पाएंगे, डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे देखेंगे भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बच्चों को धर्म के बारे में पूर्व ज्ञान है तो पूर्व ज्ञान का यूज कर रहे हैं आप, पहला नंबर भी तो आप पहला नंबर का यूज किया तो एक लिख लेंगे उसमें। प्रश्नों में कथनों का मूल पाठ के उद्देश्य से संबंध, हाँ धर्मों के बारे में तो मूल पाठ के संबंध से भी है। श्रृंखलाबद्धता का यूज किया तो ये भी हो गया, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न के सामने, 1 2 और 3 इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे आपका समस्यात्मक प्रश्न होता है आपको क्या करना होता है, उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्रों आज हम इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे तो आप इस्लाम धर्म जो आपका टॉपिक है उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे उद्देश्य कथन हो गया आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका प्रस्तावना कौशल, लेकिन इसके बाद निरीक्षण तालिका भी देख लीजिए। यहाँ पे निरीक्षण तालिका काफ़ी कॉलेजेस में बनी बनाई मिल जाती है और काफ़ी कॉलेजेस में बनी बनाई नहीं मिलती, तो आपको बनानी होती है। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, टैलीज इसमें नंबरिंग करनी होती है आपके प्रश्नों की, व्यवहार घटक होता है, रेटिंग स्केल होता है, इसमें अधिकतम और न्यूनतम लिखना होता है। तो यहाँ पे जितने घटक थे 5 घटक थे वो 5 लिख लीजिए, प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ के उद्देश्य से संबंध, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, समुचित अवधि विस्तार और मूल पाठ की ओर ध्यान आकर्षण। अब इसके बाद यहाँ पे न्यूनतम अधिकतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम यहाँ पे 1 2 3 4 है, न्यूनतम 5 6 7 है। इसी तरीके से सब में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब अच्छे तरीके से आप पढ़ाए होंगे क्लास में तो यहाँ पे इनमें से मिलेगा 1 2 3 4 में से पॉइंट आपको मिलेगा। अगर अच्छे तरीके से किसी जैसे श्रृंखलाबद्धता का यूज नहीं किया तो यहाँ पे 6 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको पता चल जाएगा आपने अच्छे तरीके से क्या नहीं किया है क्या किया है। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ योजना, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो के अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई पाठ योजना चाहिए, सूक्ष्म पाठ योजना चाहिए किसी भी विषय का किसी भी क्लास का, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए जो रिक्वेस्ट किए रहेंगे उसकी वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।